अमृत महोत्सव के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं ने नदी को साफ सुथरा रखने का संदेश आम जनमानस को दिया तथा अपने नृत्य एवं नाटक मंचन के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं ने समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे भारतवर्ष की जीवनदायिनी भारत की प्रमुख नदियां हैं। यदि यह सभी नदियां साफ सुथरी रहेंगी तो हमारे जीवन में जल की कमी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में सर्वाधिक जल की कमी के चलते ही आम जनमानस को परेशानी होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को अभी से सचेत रहना होगा तथा जल संरक्षण एवं जल शुद्धि के लिए कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम के संबंध में नोडल अधिकारी कविता सक्सेना एवं विनेश ने जानकारी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नदी महोत्सव शासन के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है, जिसमें 19 और 20 तारीख को देशभक्ति कार्यक्रम विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाए थे, जो कि नदियों के तट पर ही होने थे और जिसमें मथुरा भी था। मथुरा में यमुना का बंगाली घाट है जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसमें बच्चों के द्वारा, माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ अपनी दी गई हैं देशभक्ति से परिपूर्ण, और साथ में इसमें बेसिक शिक्षा के भी बच्चे सम्मिलित हुए हैं। कल इसमें मशाल यात्रा भी निकाली गई थी और साथ ही इसमें जो है हस्ताक्षर अभियान भी लिया गया था। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत बच्चों को नदियों के प्रति आस्था बनाने के लिए, नदियों के संरक्षण हेतु, ताकि वो भविष्य में हमारी जो यमुना मैया है वो स्वच्छ अविरल गति से बहती रहे, ये हमारा प्रयास है इस माध्यम से। नदियों के महत्व के विषय में बच्चों को ये जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आप अपना आस्था और विश्वास को बनाइए, क्योंकि सफाई तो वो प्रकृति की खुद अपने आप, गंगा स्वरूपा में इतनी शक्ति है, वो अपने आप को खुद साफ कर सकती है और इस दुनिया को भी साफ कर सकती है। लेकिन आज के कल की जो पीढ़ी है उनमें विश्वास और आस्था जो हमारी प्रकृति से हटता जा रहा है, तो उनको यही समझाया जा रहा है कि प्रकृति सर्वेश्वर होती है, शक्तिशाली होती है, सिर्फ हमें उनमें अपनी आस्था, विश्वास और अपनापन, बच्चे प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें, उनको अपना माने तो संरक्षण अपने आप हो जाएगा। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है या ईसाई है, हमने सब चीज़ बांट ली अपनी रीत रिवाज, घर मकान मंदिर मस्जिद, क्या पानी को बांट पाए? आज मथुरा का हर नागरिक माँ यमुना की ही वजह से पल रहा है, चाहे उनका व्यवसाय है, चाहे उनका खान पान है। तो बस यही संदेश हमें पूरे भारत में फैलाना है कि वायु और जल इन्हीं से हम हैं और हमसे हमारा हिंदुस्तान है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रकृति का, अपनी नदियों का संरक्षण करें, उनके प्रति अपनी भावी पीढ़ी को जागरूक करें, जिसके प्रति ये हमारा आज 5 दिन का काम चल रहा है।